हमारे यहाँ नई शादी के बाद या बाद में मर्द की ये एक बुरी आदत है कि वो अपने सारे राज को अपने दोस्तों में बयान करता है, और औरत भी ऐसे ही है, अपनी सारी राज की बातों को सहेलियों के साथ शेयर करते हैं, बहनों के साथ शेयर करते हैं, अपने सारे राजों को उनके सामने ओपन करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया इन्ना मिन शर्रिर रिजाल अन युफ्दिया इलन निसा, आदमियों में से सबसे बुरा सबसे गंदा आदमी वो है जो अपनी बीवी के पास जाता है और उसके राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाता है। और इसी तरह सबसे गंदी औरत वो है जो अपने खावन के पास जाती है और अपने राज की बातें लोगों के सामने करना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। लेकिन हमारे यहाँ इसको इंजॉय समझा जाता है और इसको गुनाह समझा नहीं जाता। दोस्त पूछते हैं वो बताता है, सहेलियाँ पूछती हैं वो बताती है, और वो इसको अपना हक समझती है। और अगर वो बेचारी कह दे नहीं मैं नहीं बताऊँगी तो उसको ताने किए जाते हैं, तुम क्यों नहीं बताओगी। और बाज लोग एक गुनाह करके उसको बड़े धड़ल्ले से आगे बयान करते और उसको बड़े फख्र के साथ बयान करते, ये बड़ा जुर्म है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरून, मेरे अल्लाह को एक इतना तरस आएगा, इतना रहम आएगा, इतना प्यार आएगा, मेरे अल्लाह तमाम गुनाहगारों को मुआफ कर देंगे लेकिन मुजाहिरून को कभी मुआफ नहीं करेंगे। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिर कौन होता है जिसको मेरा अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा। फरमाया मुजाहिर वो होता है जो रात की तरीकी में गुनाह करता था, अल्लाह ने पर्दे डाले, किसी को पता नहीं था, दिन का उजाला हुआ, ये सबके सामने जाकर अपने ऐब को बताता है और बड़ा फख्र करता है, ऐसे आदमी को मेरा अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा। अगर इसी तरह फोत हो गया अल्लाह इसको मुआफ नहीं करेंगे। और ये हमारे यहाँ आम है और इसको गुनाह नहीं समझा जाता।